हाई टू ऑल द स्टूडेंट्स, आप ही की डिमांड थी कि एक ऐसा सेशन बनाऊं छोटा सा जहां पे मैं आपको बता सकूं लास्ट के 2 हफ्तों में, 14-15 दिन रह गए हैं, आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री को रिवाइज करना है और 1 डे में 1 चैप्टर भी करना है तो कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स को आप पकड़ो ताकि आपके 60+ मार्क्स आए इस पहले जेई अटेम्प्ट में। तो यहाँ पे अगर हम क्लास 11th के बारे में बात करेंगे तो ओवर हियर वी हैव केमिकल बॉन्डिंग जो बहुत जरूरी है, हमेशा आता है, आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें अगर आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम टफ लगता है तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम तो फिर भी बहुत अच्छे से करके जाओ। थर्मोडायनामिक्स, जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, फिर भी बहुत इजी है अगर आपको हाइड्रोकार्बन्स एनी हाउ समझ में आते हैं, जीओसी समझ में आता है, आपके नंबर वहीं ज्यादा 60+ बन जाएंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तो हुई क्लास 11th के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 12th के चैप्टर्स के बारे में जो एनी हाउ आप लोग अभी तक आपकी तेज नजरों से पढ़ चुके हो। यहां पे वी आर हैविंग सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, अल्कोहल्स एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अगर आप लोगों ने ये सारे के सारे कर लिए तो आपके 60+ बिल्कुल बन जाएंगे। आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोग ताबड़तोड़ मेहनत करो और ये 2 हफ्ते सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो और केमिस्ट्री को बिल्कुल एकदम टॉप नॉच करके अपने पहले जेई अटेम्प्ट में एकदम किंग साइज एंट्री मारनी है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।